शिमला से खबर है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया है। अडानी को केंद्र सरकार की ओर से फायदा पहुंचाने का आरोप यहां लगाया गया कि केंद्र सरकार और अडानी की मिलीभगत। सुरजीत ठाकुर ने कहा, हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री को बंद होने की वजह उन्होंने बताया कि मिलीभगत इसके पीछे वजह वो बताते नजर आए थे। तो देखिए, केंद्र सरकार पर हमलावर है आम आदमी पार्टी और अब हिमाचल में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है और मुद्दा के अडानी जिसको लेकर की ये पूरा प्रदर्शन किया गया। आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जिस तरीके से संसद के अंदर मोदी सरकार अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही है, तो हमने एक प्रयास किया है कि भाजपा को जाग जाना चाहिए। देश की जिस तरीके की जो संपत्ति है सीधी एक आदमी के हाथ में जा रही है, वो कैसे हुई? ये मिलीभगत के बगैर पॉसिबल नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा ये देश की सरकार ने अडानी को दे दिया है, ये किस बेस पर दिया है? हम लोग आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक ही आदमी को दे दिया गया है। पूरा LIC का सारा पैसा दे दिया गया है, SBI का जो लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा है वो सब लोन के रूप में अडानी को दे दिया गया है और ऊपर से उसकी जाँच तक नहीं हो रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुद्दा है अडानी और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया क्या प्रदर्शन, कहा यह जा रहा है कि सरकार और अडानी के बीच मिलीभगत है, यह आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह का एक प्रदर्शन किया गया था और प्रदेश भर में ऐसे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अडानी के मुद्दे पर किया गया प्रदर्शन और गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर जड़े गए हैं।